मेरठ में नगर निगम में वंदे मातरम के लगे नारे, कुछ अल्पसंख्यक पार्षदों के वंदे मातरम नहीं कहने पर जमकर हुआ हंगामा। मेरठ नगर निगम में हंगामे के बाद मेयर ने ध्वनि मत से पारित किया प्रस्ताव, वंदे मातरम नहीं कहने वालों को सदन में रहने का अधिकार नहीं। मैं सभी सम्मानित सदन से पार्षदों से इस विषय में जानकारी चाहूंगा कि जिस समय सदन के अंदर वंदे मातरम शुरू होता है उस समय आता है तो उसको सदन में रहने का अधिकार है। बीजेपी पार्षदों ने वंदे मातरम नहीं कहने वाले पार्षदों से माफी की मांग की, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के पार्षदों ने कोर्ट का दिया हवाला। अगर वंदे मातरम सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में कुछ मुस्लिम संगठनों ने लगाया पोस्टर, लखनऊ में लगे पोस्टरों में राम मंदिर बनाने की अपील की गई। सीओ का रखें ध्यान, साथ ही आरोपियों से ना करें अमानवीय व्यवहार। इलाहाबाद में मीट कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, सरकार की कार्रवाई को लेकर उठाए सवाल। संभल में मीट कारोबार पर छापेमारी करने गई टीम पर हमला, नाराज लोगों ने सड़क कर लगाया जाम। दिल्ली से सटे गुड़गांव में मीट की दुकानों पर शिवसेना की गाज, नवरात्र और मंगलवार को शटर डाउन रखने की भी धमकी। शिकायत मिलते ही गुड़गांव पुलिस ने दर्ज किया केस, मीट दुकानों के आसपास बढ़ाई गश्त। झारखंड में भी शुरू हुई अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई, धनबाद प्रशासन ने बंद कराई दर्जनों दुकानें। मुख्यमंत्री ने यूपी के हर बीमारी का इलाज करने का किया वादा, बोले बड़े फैसलों से नहीं हिचकेगी सरकार। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे। सूर्य नमस्कार और नमाज की तुलना करके यूपी के सीएम ने छेड़ी नई बहस, दोनों की मुद्राओं को बताया करीब करीब एक समान। योगी आदित्यनाथ की तुलना पर योग गुरु बाबा रामदेव ने लगाई मोहर, का सूर्य नमस्कार और नमाज में ढेरों समानताएं। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों का योग पर नहीं भोग पर है भरोसा। मीट की सप्लाई ना होने की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कैंटीन का मेन्यू बदला, अब छात्रों के लिए सिर्फ दाल चावल सब्जी। यूपी के नकलबाजों पर योगी सरकार की गाज, 111 एग्जाम सेंटर के मैनेजर, 178 परीक्षक और 70 से ज्यादा नकलची छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 54 केंद्रों पर परीक्षा रद्द। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जिले के स्कूल अधीक्षकों से की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग के बाद लिया गया फैसला। मुरादाबाद में नकल माफियाओं पर पुलिस की छापेमारी, बोर्ड की परीक्षा में नकल करा रहे कई लोगों को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से की मुलाकात, दिए जरूरी सुझाव। शिवसेना सांसदों ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से की मुलाकात, सांडलबाद सांसद रविन्द्र गायकवाड़ की हवाई उड़ान पर प्रतिबंध हटाने की मांग की। शिवसेना सांसदों ने रविंद्र गायकवाड़ की हवाई उड़ान पर प्रतिबंध हटाने के लिए संसद सत्र का दिया हवाला, साथ ही घटना में एयर इंडिया कर्मचारी की बताई गलती। जंतर मंतर पर कई दिनों से तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन जारी, सरकार नहीं ले रही है सुध। तमिलनाडु में किसानों के बाद सड़क पर उतरे छात्र, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने का उठाया मुद्दा, कई जिलों में किया प्रदर्शन। मिशन गुजरात पर निकले बीजेपी अध्यक्ष और विधायक अमित शाह, गुजरात विधानसभा पहुंचने पर सीएम समेत बीजेपी विधायकों ने किया भव्य स्वागत, बुके देने के लिए लगी होड़। अमित शाह के गुजरात विधानसभा पहुंचने पर कांग्रेस विधायकों ने उठाया भ्रष्टाचार कमीशन की रिपोर्ट सदन में रखने का मुद्दा, किया हंगामा। गुजरात विधानसभा में हंगामे के बाद स्पीकर सभी कांग्रेस विधायकों को लंच तक के लिए किया सस्पेंड। आरा से आई झकझोर देने वाली तस्वीर, बीमार महिला को स्ट्रेचर के अभाव में लगभग घसीटते हुए सदर अस्पताल ले गए परिजन। उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में आया झपटमार गिरोह, गिरोह में महिला भी शामिल, 9 सोने की चेन बरामद। दिल्ली सरकार और एलजी हाउस के बीच अब नई जंग की शुरुआत, अनिल बैजल ने दिया आम आदमी पार्टी से विज्ञापन के पैसे वसूलने के निर्देश। आपने विज्ञापनों पर नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश। स्वराज इंडिया को एमसीडी चुनाव के लिए मिला कॉमन सिंबल, योगेंद्र यादव बोले दिल्ली सरकार ने की साजिश। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह से कराएगी चुनाव प्रचार, दिल्ली में कई कैप्टन की रैलियों का आयोजन। पंजाब में 20 दिनों में 400 ड्रग माफिया पकड़े गए, नशे पर नकेल कसने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग से बनाई टीम। तीन स्थानीय युवकों की मौत के बाद घाटी में बढ़ा तनाव, कुलगाम में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच झड़प। स्थानीय युवकों की मौत को लेकर गरमाई सियासत, श्रीनगर में निर्दलीय विधायक राशिद इंजीनियर का प्रदर्शन।
अपने पैतृक गांव में सुपुर्द खाक हुआ। बड़गांव में मारा गया आतंकी। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने लोगों को किया संबोधन। जम्मू में घाटी के 3 पत्थरबाज गिरफ्तार। पुलिस वाले से छीनी थी AK-47 राइफल। घाटी में जबरन वसूली के लिए पत्थरबाजों ने छीने थे हथियार। पूछताछ में कबूली पत्थरबाजी में शामिल होने की बात। जबलपुर से दिल्ली जा रही महाकौशल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। महोबा पुल पहाड़ रेलवे स्टेशन के बीच रात 2:30 बजे हुआ हादसा। जांच के लिए यूपी ATS की टीम भी पहुंची। 2 सेकेंड क्लास, 3 AC कोच और 3 जनरल डिब्बे हादसे में क्षतिग्रस्त। कुल 8 डिब्बे पटरी से उतरे, 38 यात्री घायल। ट्रेन हादसे में घायल यात्रियों का झांसी में हो रहा इलाज। आधा दर्जन ट्रेनों का बदला गया रूट। ट्रैक ठीक करने का काम जारी। सीएम योगी ने महोबा ट्रेन हादसे पर मांगी रिपोर्ट। गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 और कम चोट लगने वालों को 25,000 रुपए मुआवजे का ऐलान। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने महोबा हादसे की जांच के दिए आदेश। साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ की। बोले गृह मंत्रालय की सूचना से कई हादसे रोकने में मिलेगी मदद। दिल्ली में हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे सैर। पवन हंस की दिल्ली प्रदर्शन सेवा 1 अप्रैल से शुरू। जयपुर में ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी ने ली RCA के अधिकारियों की बैठक। दिवंगत को क्रिकेट कोच अब्दुल सईद को दी श्रद्धांजलि। ऑटो चालक ने MCD टिकट के लिए प्रधानमंत्री से की गुहार। प्रधानमंत्री आवास में जाकर टिकट देने के लिए डाली एप्लीकेशन। चंद्रपुर में किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर विपक्ष के सामने निकाली संघर्ष यात्रा। कई नेता शामिल। वाघा बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से नहीं फहराया जा रहा 350 फीट ऊंचा तिरंगा। तेज हवा के चलते बार बार तिरंगा हो रहा क्षतिग्रस्त। उड़ीसा के बरीपाड़ा में छात्रा से छेड़खानी के आरोप में पिटा शिक्षक। महिलाओं ने की चप्पल से पिटाई। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कीनिया की छात्रा से मारपीट के दावे को किया खारिज। कहा स्थानीय लोगों से नहीं, दोस्त से हुआ था झगड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए सबूत। असम में चिरांग में 2 NDFB उग्रवादी मुठभेड़ में ढेर। राइफल रिवॉल्वर और ग्रेनेड बरामद। कोलकाता में हुआ दर्दनाक हादसा। गोल्डन पार्क होटल में आग लगने से झुलसकर 2 लोगों की मौत। रायपुर में हाथियों का आतंक। घर में घुसाए हाथी की तोड़फोड़। बाड़मेर में पलटी नोवा गाड़ी, 2 महिलाओं की मौत। भारत में लापता हुआ कनाडा का नागरिक मिला। अरलपमली के जंगल में हो गया था गुप्त। मेरठ में नगर निगम सदन की बैठक में वंदे मातरम को लेकर हंगामा। राष्ट्रगीत का बहिष्कार करने वालों को किया बाहर। गया में रंगदारी को लेकर भीड़ ने बदमाशों की बाइक में लगाई आग। केस दर्ज, दुकानदारों को केस वापस लेने की धमकी। अजमेर के सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार। ACB ने किया गिरफ्तार। बरेली में पुलिस का वीडियो वायरल। वीडियो में पुलिस वाले किसानों की कर रहे थे पिटाई। पटना में बैंक लूटने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार। 6 मार्च को बैंक से 60 लाख रुपए लूटे थे, 45 लाख बरामद। लखीमपुर में सिपाही ने की महिला होमगार्ड से छेड़छाड़। महिला ने निकाली चप्पल, कैमरा देखकर भागा सिपाही। थाने में युवक इलाज कराने आए लोगों ने की 2 ट्रेनी डॉक्टरों की पिटाई। बिना पर्ची भरे डॉक्टरों ने किया था इलाज से इनकार। दिल्ली में बैंक अकाउंट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 2 नाइजीरियन समेत 7 गिरफ्तार। दिल्ली में बहादुर लड़की ने 2 झपटमारों को धर दबोचा। तिहाड़ में बंद हुए बदमाश। पलामू में पत्नी से परेशान युवक ने की ट्रेन से कटकर आत्महत्या। पत्नी पर झूठे केस का आरोप। कोल्हापुर में शिवसेना ने की फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़। लोगों के पैसे लूटने का आरोप। अमृतसर में कुएं से मिली 4 दिन की बच्ची, हालत गंभीर। इटावा में भाजपा विधायक के बेटे की दबंगई। खुद ही थानों का किया निरीक्षण। योगी आदित्यनाथ की दी धमकी। अमरेली में सड़क पर शिकार करते दिखे 3 शेर। इलाके में दहशत। भुवनेश्वर में बियर की केन में फंसा प्यासा कोबरा। केन काट कर निकाला गया बाहर। बुरी तरह कोबरा हुआ जख्मी। सोलन में विजिलेंस टीम ने RTO को रिश्वत देते रंगे हाथ पकड़ा। बस रूट में बदलाव के एवज में ले रहा था 20,000 रुपए की घूस। मिर्जापुर में शौच के लिए जा रही महिला के साथ गैंगरेप करने की कोशिश। नाकाम होने पर महिला की ली जान। मुरादाबाद में पक्षियों को मास्क खिलाना पड़ा महंगा। अशांति फैलाने का हवाला देते हुए पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। यमुनानगर में 3 सुपारी किलर गिरफ्तार। लूट, हत्या और किडनैपिंग जैसी वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। मुंबई में टैक्सी से पकड़े गए 1.5 करोड़ के पुराने नोट। 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में कॉलोनी का गेट गिरने से 1 बच्चे की मौत, 2 घायल। झालावाड़ में हथियार तस्कर को किया गया गिरफ्तार। 4 विदेशी और 4 देसी पिस्तौल बरामद। दिल्ली में पत्नी की बेवफाई के शक में युवक ने की आत्महत्या। मरने से पहले वीडियो में जीजा के साथ संबंधों की कही बात।
लखीमपुर में दो सगी बहनों की रेप के बाद हत्या के आरोप में तीन नाबालिग गिरफ्तार। नाबालिगों की उम्र 12 से 15 साल के बीच। गुना में आवारा जानवरों से परेशान किसान फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। पटना में खनन माफियाओं पर नकेल, 5 टीम बनाकर छापेमारी। टीवीएफ के सीईओ अरुणाभ कुमार पर छेड़छाड़ का आरोप, दर्ज हुआ मामला। मुरादाबाद में नकल माफियाओं पर पुलिस की छापेमारी, बोर्ड की परीक्षा में नकल करा रहे कई लोगों को किया गिरफ्तार। करण जौहर अपने दोनों बच्चों को लेकर पहुंचे घर। करण के जुड़वा बच्चों को एनआईसीयू में 7 हफ्तों के लिए रखा गया था। टेलीविजन एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज ने काम्या पंजाबी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। प्रत्युषा पर बन रही शॉर्ट फिल्म में छवि खराब करने का लगाया आरोप। श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई की शूटिंग खत्म। फिल्म में श्रद्धा कपूर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का निभा रही किरदार। अरबाज ने किया मलाइका के साथ पैचअप होने की खबर को खारिज। रेटिंग की बात कबूल किया सबको हैरान।